Hello student, today we are going to discuss NCERT exercise 9.1 question number 4. इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे. एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट, ये प्रीवियस वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं. प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो. मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश करूंगा कि मेरी हर एक बात आप तक पहुंचे. चलिए पढ़ते हैं. चलिए मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे इसको. यहाँ है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, देखते हैं. एक एक चीज को समझिएगा. द एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि अगर ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट क्या हो, ऑब्जर्वर से ऊपर हो, और मैं अगर कोई चीज है मेरे पास, मैं देख रहा हूँ किसी चीज को, वो ऊपर वहां पे है और मैं ऐसे देख रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से देख रहा हूँ उसको, तो ये क्या एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है. ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. जरा इस क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझिएगा. सबसे पहले एक टावर हमने प्लॉट किया, ठीक है, ये हमने कह दिया कोई टावर है. ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ, एंगल ऑफ एलिवेशन, क्वेश्चन को फिर से पढ़िए. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ किसका, द टॉप ऑफ ए टावर, ये टॉप है टावर का, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ऑब्जर्वर यहां कहीं होगा, ठीक है, और यहां से ऑब्जर्वर की ये जो आईज है ये समझ लीजिए, और ये टॉप ऑफ द टावर है, इस पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है. तो इस तरीके से कुछ फिगर फॉर्म होगा आपका. ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल देखिए ये फिगर फॉर्म होगा. ये हमारी लाइन ऑफ साइट हो गई, टॉप ऑफ ए टावर, टावर के टॉप पर, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड पे पॉइंट है, जो कि विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. ये टावर का क्या है, टॉप है, और ये टावर का क्या है, फुट है. ठीक है, किस पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, कितनी दूरी पे, फ्रॉम दिस पॉइंट, कितना मीटर, 30 मीटर अवे, यहां से इस ग्राउंड के टावर के फुट से 30 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट है, वहां पे ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है. क्या बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन. अब इस क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए और पूरे फिगर को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है. हेयर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है. ठीक है, मैं नाम दे देता हूं वर्टेक्स को ए बी सी. क्लियर बात है. अच्छा देखिए, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. हमें निकालना क्या है बच्चों, हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है, ए बी, हाइट ऑफ द टावर. इसको मैंने एच लेट कर लिया, एच मीटर. ठीक है, हाइट ऑफ द टावर हमें फाइंड आउट करना है. बहुत ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को. देखिए बात कहां से शुरू हुई, द एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर. यहां से ऑब्जर्वर देख रहा है ऑब्जेक्ट को, टॉप ऑफ द टावर, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये ऑब्जर्वर है, इसको देख रहा है, तो क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है, टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इस ग्राउंड पे जो पॉइंट है, जो कि ये पॉइंट जो है, क्वेश्चन को पढ़े, विच इज, जो ये पॉइंट जो है जहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, वो 30 मीटर की दूरी पे है, कहां से, फुट ऑफ द टावर से. ठीक है, इस 30 डिग्री. अब देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब लास्ट में बोला एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, 30 डिग्री. द एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे जो पॉइंट है, जो कि 30 मीटर दूरी पे है टावर के फुट से. ठीक है, वो पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, वो भी कितना, 30 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. हमें क्या निकालना है, हाइट किसकी, टावर की. ठीक है, तो हम यहां पे लिखते हैं, लेट द हाइट ऑफ टावर ए बी. हमने ए बी लिख दिया, इसको कितना हमने माना है, ये कितना है, एच मीटर. ठीक है, हाइट ऑफ द टावर इज एच मीटर, हमने ये मान लिया. फिर बी सी क्या है, डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ ए टावर टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कितना है,
30 मीटर। ठीक है बच्चों, अब एक चीज देखिए, इसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा हमें ये जानना है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा, किसको प्रेफर करें। तो देखिए PBP अपॉन HHB, एक क्वांटिटी नोन है एक क्वांटिटी अननोन है। ये देखिए अगर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये 30 डिग्री यहां पे बना है, तो ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया। ठीक है, हमारे पास टावर की हाइट यानी परपेंडिकुलर चाहिए, बेस हमें गिवन है, तो परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, जिसमें से एक क्वांटिटी नोन है एक क्वांटिटी अननोन है, तो इस वाले को हम यूज करते हैं। तो ये किसके फॉर्मूला होता है, टेन का फॉर्मूला होता है। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC 10, ठीक है, ये क्या है, ये 90 डिग्री है भाई, यहां से टावर खड़ा है इसलिए ये 90 डिग्री है ग्राउंड से। 10 30 डिग्री विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर 10 30 की वैल्यू 1/√3, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे भाई AB और बेस कितना है BC, हमने ये लिखा। फिर देखिए 1/√3, AB की वैल्यू कितनी है बच्चों, द वैल्यू ऑफ AB इज H, BC की वैल्यू कितनी है 30। ठीक है, यहां से देखिए H विल बी व्हाट, 30/√3, क्लियर बात है। इसके बाद √3 को यहां पे मल्टीप्लाई किया मैंने, देखिए बच्चों H विल गिव यू व्हाट, 30√3/3, बात समझ रहे हैं, 30√3/3 ये मेरे पास आ गया है। इसको मैं सॉल्व करता हूं, देखिए ठीक है, 10 टाइम्स चला जाएगा, आंसर विल बी 10√3 मीटर। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है बच्चों, इसको नोट करिए, बहुत अच्छे से समझिए चीज को, फेयर आउट करिए। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 देखा है 5 देखते हैं सॉरी 5 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, अ काइट, काइट मतलब पतंग आप सभी जानते हैं, इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर, कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है, 60 मीटर हाइट पे अबव द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड से, ये जो ग्राउंड है इस ग्राउंड से वो 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है, पतंग हम उड़ा रहे हैं, तो पतंग आप देखते हैं डोरी हाथ में है, पतंग इस तरह से उड़ रही है, ठीक है, सीधी पतंग तो नहीं उड़ती है, किस सिर के ऊपर उड़ रही है, हमेशा आप देखिए इस तरह से होगी, थोड़ी सी इंक्लाइन होगी, ठीक है, अबव द ग्राउंड। ठीक है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पोरली, स्ट्रिंग मतलब धागा, अटैच जो काइट से बंधा हुआ है, इज टेम्पोरेली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे बांधा गया है। द इंक्लाइनेशन, इस बात को ध्यान रखिए, द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये आपको फाइंड आउट करना है, इसको हम लेट कर लेंगे, एज्यूम करना है देर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब कोई ढीलापन नहीं है, जैसे स्ट्रेच्ड है टोटल। ठीक है, तो देखिए अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर, अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, बच्चों समझिएगा ये ग्राउंड है। ठीक है, इस ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट मान लीजिए, जैसे ये हमारे पास पूरा पूरा ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड से 60 मीटर अबव हमने ये बनाया, 60 मीटर अबव बनाया, ये हमारा 60 मीटर है अबव। ठीक है, अब काइट इज फ्लाइंग, पतंग उड़ रही है एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब इस जगह पे हमारे पास पतंग है। ठीक है, ये हमारी पतंग उड़ रही है, ग्राउंड है ये हिस्सा क्या है हमारा ग्राउंड। ठीक है, ये हाइट हो गई, इस ग्राउंड से इतनी ऊंचाई पे ये पतंग उड़ रही है। ठीक, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, अच्छा ये जो स्ट्रिंग है, जो धागा बंधा है, इसमें धागा जो बनता है पतंग में, वो धागा जो है क्या है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पोरेली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, ये जो ग्राउंड है हमारा, इस ग्राउंड पे कहीं कोई पॉइंट है, और यहां से जो पतंग में धागा बंधा है वो ग्राउंड से कहीं पे ऐसे बांध दिया गया है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पोरेली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड,
ठीक है, बांध दिया गया है। अब द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये जो इंक्लाइनेशन हुआ है इसके साथ ये कितना है 60 डिग्री। बात समझ में आ रही है? इस जिस धागे से पतंग बंधी है और यहाँ पे इस पॉइंट पे बांधा गया है इसको, ठीक है, इस पॉइंट पे यहाँ पे बांधा गया है, इन दोनों के बीच में ये स्ट्रिंग, ये हमारी क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग और ग्राउंड के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें इसकी लेंथ निकालनी है स्ट्रिंग की, एस्यूमिंग दैट कोई भी स्लैक ना हो, मतलब कोई भी ढीलापन बीच में ना हो, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेच होनी चाहिए। तो देखिए हमने क्या किया, इसको ए माना इस पॉइंट को, इसको बी कंसिडर किया 90 डिग्री, ये सी है। बच्चों फिगर समझने के बाद अब समझिए हमें निकालना क्या है। लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बी, लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ए सी बी, हमने माना क्या है L1 मान लेते हैं या L मान लेते हैं, L मान लेते हैं, ठीक है, हमने इस हिस्से को L मान लिया, ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, सिंपल सी बात थी, एक पतंग जो है काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है, हमने ये बनाया पहले 60 मीटर, स्ट्रिंग जो काइट से बंधी हुई जो धागा है अटैच टू द काइट इज टेम्पररी टाइट, बांधा गया है ये धागा ग्राउंड पे, ठीक है, ये चीज है। फिर द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, ग्राउंड का स्ट्रिंग के साथ इंक्लाइनेशन क्या है 60 डिग्री, ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, तो ये चीज हो गई हमारे पास, एसीबी एल मान लिया, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमने क्या मान लिया, एल मान लिया, ठीक है। अब देखिए हमें पता है भाई ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा रेशियो इस्तेमाल करेंगे, पीबीपी अपॉन एचएचबी। देखें भाई अगर ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, 60 डिग्री हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो ये बेस है, ये हाइपोटेनस है और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आप देखिए हमारे पास हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर की बात करनी है, तो ये देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस यहाँ पे है, साइन आ जाएगा, ठीक है। तो हमने लिखा इन ट्राइंगल ए बी सी साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री लिखा हमने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 60 डिग्री कितना है √3/2, परपेंडिकुलर कितना है ए, परपेंडिकुलर बच्चों कितना है ए बी, हाइपोटेनस ए सी √3/2, ए बी हमारे पास कितना है 60, ए सी कितना है एल। यहां से देखिए बच्चों एल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं भाई, यहां अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई, देखिए 60 × 2 किया अपॉन √3 किया हमने, ठीक है, एल को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, अच्छा फिर देखिए ये कितना हो गया भाई 60 × 2 120 √3 हो गया। अब मैं यहाँ पे इसको रेशनलाइज करता हूँ, √3 से √3 कर दिया मैंने एल, भाई परपेंडिकुलर, ठीक है, 120 √3 अपॉन 3 मैंने कर दिया, कैंसिल आउट होगा, कितने टाइम जा रहा है 4 times 40, ठीक है, 40 √3 meter, इज दैट क्लियर, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40 √3 meter। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों बहुत अच्छे से, इस बात को समझिए इस क्वेश्चन को, एक पतंग थी जो 60 मीटर हाइट पे थी ग्राउंड से, ग्राउंड लेवल से, ठीक है, उसमें जो धागा बंधा था उसको ग्राउंड पे कहीं इस तरह बांधा गया है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री था, मैंने देखी इसको लगाया, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना था वो भी आपको बताया, बहुत अच्छे से फेयर आउट करिए, रफ में प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 9.1 का एनसीईआरटी, देखिए कैसे करते हैं बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है, एक एक चीज को। A 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक लड़का है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है, ठीक है, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, मतलब कहने का यह है कि ये कोई बिल्डिंग है, समझिए इस बात को, जैसे यहां पे ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है,
30 मीटर टॉल बिल्डिंग, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है, 1.5 मीटर टॉल बॉय, फिर से पढ़िए, 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पर खड़ा है, किससे, फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, इस बिल्डिंग से कुछ दूरी पर समझिए एक लड़का खड़ा है, ठीक है, ये समझ लीजिए एक लड़का खड़ा है इस बिल्डिंग से कुछ दूरी पर, ये ग्राउंड है, ठीक है, ये क्या है हमारा, ये ग्राउंड है, जमीन है, यहां पे बिल्डिंग खड़ी है 30 मीटर, और इससे कुछ दूरी पे एक लड़का खड़ा है जिसकी हाइट जो है, एक लड़का खड़ा है जिसकी, एक लड़का खड़ा है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, क्लियर बात है, ये चीज है। अच्छा, एक लड़का खड़ा है जिसकी हाइट क्या है, 1.5 मीटर। अब देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब क्या है, मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूं, ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, किसकी आंखों से, लड़के की आंखों से, ये लड़के की आंख है मान लीजिए यहां पे, ये फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप क्या है भाई, ये बिल्डिंग का क्या है, टॉप पॉइंट है, और ये क्या है, बॉटम पॉइंट है, ये टॉप पॉइंट है, टू द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस From 30 degree to 60 degree, ये इस लाइन को समझिए, increases, बढ़ता है from 30 से 60 degree as he walks towards a building, मतलब लड़का भी यहां पे है, फिर ये लड़का मान लीजिए आगे बढ़ता है, यहां कहीं पहुंच जाता है, ठीक है, इस जगह पे कहीं है लड़का, ठीक है, जैसे ही as he walks, तो कहने का मतलब है लड़का का बिल्डिंग के टॉप से जो एंगल बन रहा है, पहले कितना था, ये एंगल यहां से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारे पास, ठीक है, बिल्डिंग के टॉप पे ये एंगल, ये टॉप है बिल्डिंग का, ठीक है, ये टॉप है बिल्डिंग का, ये एंगल कितना बना था, 30 डिग्री, ठीक है, जैसे ही लड़का इस पॉइंट से इधर की ओर चलता है, बढ़ता है और यहां पहुंचता है, तो बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज कर जाता है, ये बनता है 60 डिग्री, फिगर समझ में आया, लड़का बिल्डिंग से कुछ दूरी पे पहले यहां खड़ा था, यहां से लड़के की आंख से बिल्डिंग के टॉप पे जो एंगल बन रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन वो 30 डिग्री बना था, जैसे ही ये लड़का यहां से चलते 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 यहां पहुंचा, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग के टॉप से 60 डिग्री हो गया है, इज दैट क्लियर बच्चों, ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स टूवर्ड्स अ बिल्डिंग, टूवर्ड्स मतलब बिल्डिंग की तरफ, ठीक है, टूवर्ड्स बिल्डिंग की तरफ, तो देखें हमें ये बताना है कि फाइंड द डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस फाइंड आउट, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स अ बिल्डिंग, वो बिल्डिंग की तरफ कितना बढ़ा, हमें ये बताना है, तो देखिए यहां से ये वाला हिस्सा जो है, हमें ये हिस्सा बताना है बच्चों, ये इसकी लेंथ हमें बतानी है, ठीक है, हमें इसकी लेंथ बतानी है कि वो कितना बढ़ा, कितना चला, ठीक है, हमें ये लेंथ बतानी है, इस लेंथ को हमें बताना है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, हमें इस लेंथ को बताना है, ठीक है, अब देखिए हम नेम कर देते हैं भाई, इसको ए कंसीडर कर दिया है, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इस पॉइंट को मैंने ई बोल दिया है, इसको एफ बोल दिया है, ठीक है, ध्यान रखिए हमें निकालना क्या है, हम क्या करते हैं, लेट द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स, यही तो निकालना है, टूवर्ड्स द बिल्डिंग, ठीक है, ये कौन सा हिस्सा है, ये क्या है, टूवर्ड्स द बिल्डिंग, डी ई, हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले कई चीजें समझ लीजिए इसमें बच्चों, देखिए ये लड़की की हाइट कितनी है, 1.5, यहां से लड़का ऐसे से चल रहा है यहां पहुंचा, ये भी हिस्सा हमारा क्या है, 1.5, ठीक है, फिर लड़का कभी ना कभी बिल्डिंग के पास, ये हिस्सा हमारा कितना है यहां पे, ये हमारा 1.5 मीटर है, ठीक है, और
वैसे ये यहां से और यहां तक, ये ग्राउंड तक ये कितना था? 30 था, 30 मीटर था द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, लिख लेते हैं HEIGHT भाई, हाइट ऑफ बिल्डिंग को डिनोट कर रहे हैं किससे? ए बी से। कितनी है? 30 मीटर। ठीक है, टॉल बॉय 1.5 मीटर है। अब देखिए, अब मुझे यहां पे क्या करना होगा, मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल करके इस वैल्यू को निकालना होगा, इस वैल्यू को निकालना होगा, मुझे ये चाहिए। वैसे डी मुझे फाइंड आउट करना है, तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत अच्छे से, बहुत चालाकी से इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले बच्चों यहां पे देखिए ए बी क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग है। ए बी, ए बी को मैं क्या लिख सकता हूं, ए एफ प्लस एफ बी। भाई ये ए बी था, ए एफ प्लस एफ बी हमने लिखा। ठीक है, यहां से मैं ए एफ को निकालूंगा। ए एफ कैसे आएगा भाई, ए एफ आ जाएगा ए बी माइनस एफ बी से। ए एफ विल बी व्हाट, ए बी कितना है 30, एफ बी कितना है 1.5। देखिए भाई 30 माइनस आप कर रहे हैं 30 और 1.5, 5 बचा यहां पे, ये कितना हो गया 9 में से 1 गया 8 बचा 28.5, तो ए एफ हमारा हो गया 28.5 मीटर। ठीक है, तो ये हिस्सा जो आया है बच्चों, इस बात को समझिएगा, यहां से ये और ये आया है 28.5। ये हिस्सा 28.5 है, क्लियर बात है, इस बात को समझिएगा, बहुत ध्यान से नजर आ रहा होगा आपको। ठीक है, हमने ए एफ निकाल लिया। अब मैं क्वेश्चन को रब करना चाहूंगा ताकि मैं क्वेश्चन को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। यहां पर इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ए एफ को मैंने 28.5 फाइंड आउट किया हुआ है। अब देखिए बच्चों कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले मेरी बात को समझिएगा। जैसे ये फिगर है मेरे पास यहां पे, ये फिगर है, ये एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये एफ पॉइंट है, ये ई पॉइंट था। ठीक है, ये 90 डिग्री है। ए एफ की अभी हमने हाइट निकाली थी भाई, कितना आया था 28.5 मीटर आया था। ठीक है, हमें ई एफ चाहिए, तो सीधा कंसेप्ट है पी वी पी अपॉन एच एच बी। हम जानते हैं इसमें हमें ई एफ चाहिए, हमें बेस की बात करनी है भाई। ये हमारा क्या है, बेस है, ये क्या है परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेन्यूज है। हमें बेस और परपेंडिकुलर की बात करनी है, क्योंकि परपेंडिकुलर नोन है और बेस अननोन है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसमें आता है, 10 में आता है। ठीक है, 10 के लिए है, तो हमने यहां लिखा 10 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 60 कितना होता है, √3 परपेंडिकुलर ए एफ और ई एफ हो गया हमारे पास। ठीक है, नाउ विल पुट द वैल्यू ऑफ ए एफ, ए एफ की वैल्यू है 28.5, ई एफ हो गया, हमने ई एफ निकाला, दिस विल गिव यू 28.5 अपॉन √3। मैं एज इट इज इसको रहने देता हूं, देखते हैं लास्ट में क्या फायदा होता है। ठीक है, ई एफ की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम बात करेंगे 30 डिग्री के लिए। ठीक है, हम किसके लिए बात करेंगे, 30 डिग्री के लिए हमने ई एफ की वैल्यू निकाली है ये। अब 30 डिग्री के लिए बात करते हैं। अब देखिए हमारे पास फिगर 30 डिग्री के लिए क्या बन रहा है, ये है, ये पॉइंट ए है, ये एफ है और ये डी है, एंगल 30 डिग्री, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, क्लियर बात है, ये चीज हो गई। अब बच्चों इसको समझिएगा, इसमें भी भाई हमारे क्या चाहिए, परपेंडिकुलर और बेस चाहिए हमें। ठीक है, परपेंडिकुलर हमें पता है 28.5 है और बेस हमें चाहिए, हमें डीएफ मिल जाए तो हमारा डी ई निकाल लेंगे हम उससे। देखिए क्यों कर रहे हैं, डीएफ क्यों निकाल रहे हैं, अभी समझ में आता है आपको। हमने रखा है यहाँ पे 10 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10 30 की वैल्यू भाई कितनी होती है 1/√3, परपेंडिकुलर कितना है ए एफ, बेस डीएफ,
DF is equal to AF 28.5 root 3 meter. ये हमारा DF आ गया. हमें ये निकालना है, find a distance man walking towards the building. ठीक है, जो एंगल में चेंज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, हमें DE चाहिए. हमें क्या चाहिए? DE चाहिए. तो देखिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, बहुत ध्यान से समझिएगा. DF, DF किसके इक्वल है? DE प्लस EF के. हमें निकालना क्या है? हमें DE चाहिए. हमने क्या किया? DE इज इक्वल टू DF माइनस EF कर दिया. अब देखिए DE, DF कितना है? 28.5 रूट 3. EF कितना है? 28.5 रूट 3. इसीलिए मैंने इसको रेशलाइज नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पे कुछ काम आएगा, अभी देखते हैं. ठीक है, यहां देखिए मैंने इसको सॉल्व किया है, रूट 3 एलसीएम लिया है, 28.5 हो गया. रूट 3, रूट 3 ये रूट 3 है, इस रूट 3 से एलसीएम लेने में मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, माइनस 28.5 हो गया. ये एक्सप्रेशन मेरे पास आया है, मुझे इसको सॉल्व करना है. ठीक है, इस चीज को मुझे सॉल्व करना है. देखिए बच्चों इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, थोड़ा सा स्पेस चाहूंगा. अब मैं इस फिगर को रब कर रहा हूं. देखिए ये चीज आ गई है, मैंने यहां पे इसको सॉल्विंग केस 28.5 को कॉमन ले लिया, यहां भी है और यहां भी है, तो ब्रैकेट में 3 माइनस 1 हो जाएगा बच्चों, रूट 3. मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, रूट 3 आ गया. ठीक है, ये आ गया. अब हम इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं. ठीक है, देखिए ये आया बच्चों, यहां पे डिनोमिनेटर में रूट 3 है, मैं रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ऊपर नीचे, मैंने ये भी कर दिया है. अब देखिए क्या हो जाएगा, 28.5 इंटू 2 रूट 3 अपॉन 3. ठीक है, ये है. अब इसको देखिए कैसे कैंसिल आउट होगा भाई, 28.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 28.5 इंटू 2, 2 पंच 10, 1 कैरी 2 8 16 17, 1 कैरी 2 4 1 5 57. ठीक है, 57 है यहां पे हमारे पास. ठीक है, 57 आ गया है. 28 को हमने 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 57 रूट 3 अपॉन 3. ये देखो किससे जाता है भाई, कैसे कैंसिल आउट होगा, 3 वन जा 3, 9 जा 19 रूट 3 मीटर. दिस विल बी आवर फाइनल आंसर. ठीक है, अ मैन वॉल्क्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग 19.3 मीटर. अगर रूट 3 की वैल्यू दी हो तो आप रख सकते हैं और सॉल्व करके लिख सकते हैं 1.732 से मल्टीप्लाई करके. ओके बच्चों प्लीज बहुत अच्छे से, मेरे प्यारे बच्चों रिक्वेस्ट है, फेयर आउट करने के बाद रफ में प्रैक्टिस जरूर करिए, सिर्फ आपके लिए है. मार्क्स आपके आएंगे, खुशी मुझे होगी. ठीक है, और नंबर आपको मिलेंगे, फेयर आउट करिए. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों, एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी. देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड. ठीक है, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग. ठीक है, आर 45 डिग्री 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ टावर. बच्चों सीधी और सिंपल बात यह है इस क्वेश्चन में, साफ साफ बोला है, एक बिल्डिंग है हमारे पास. ठीक है, ये एक बिल्डिंग है, ये ग्राउंड है हमारे पास. ठीक है, देखिएगा ध्यान से, ये ग्राउंड है. ठीक है, इस ग्राउंड पे ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे एक बिल्डिंग है. ठीक है, ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग पे एक टावर है, ट्रांसमिशन टावर. ठीक है, ये एक हमारा ट्रांसमिशन टावर है, सीधी सी बात. ठीक है, ये हमारा एक
ट्रांसमिशन टावर है। ग्रीन मार्कर से जो डिनोट किया है ये हमारा ट्रांसमिशन टावर, ठीक है, और ये हमारी बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप, ठीक है, ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। ये ट्रांसमिशन टावर का क्या है, बॉटम, और ये पॉइंट क्या है, टॉप, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे यहां पे कोई पॉइंट है, ठीक है, ये एक पॉइंट है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इस बात को समझिए बहुत अच्छे से, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन, ये बॉटम पॉइंट्स है, ठीक है, इस बॉटम पॉइंट से, ठीक है, कितना है, बॉटम से जो पहले लिखा है, यहां रिस्पेक्टिवली लिखा है तो ऑर्डर में है, यहां बॉटम पहले लिखा है तो ये एंगल 45 किसका है, बॉटम वाले के लिए है, तो कितना है, 45 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए, और क्या है, टॉप के लिए कितना है, ट्रांसमिशन टावर के लिए 60, तो ये 60 डिग्री है। यहां से देखिए मैं इसको 60 डिग्री पे पहुंचाता हूं, कैसे, ये, ठीक है। अब ये जो एंगल बना है ये पूरा कितना है, 60 डिग्री। क्लियर बात है सबको, ठीक है, फिगर समझ में आया। एक बिल्डिंग थी, बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा है, उस टावर का बॉटम और टॉप की बात की है, ग्राउंड पे किसी पॉइंट से, ठीक है, इसके बॉटम से ट्रांसमिशन टावर के 45 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है और उसके टॉप पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो है 60 डिग्री, ये हमसे बोला गया। अब मैं इसका नाम कर देता हूँ भाई, देखिए इस पॉइंट को ए लिख देता हूँ, इसको मैं बी कंसिडर करता हूँ, इसको सी, ये 90 डिग्री एंगल हो गया, ठीक है, बिल्डिंग खड़ी है भाई, सीधी खड़ी होती है, वर्टिकल 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाइट ऑफ ए टावर, हमें ये ग्रीन वाला ये जो टावर है इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ए बी सी, इसको मैंने डी नाम दे दिया इस पॉइंट को, और इसकी हाइट मैंने कंसिडर की एच, ठीक है, जो चीज निकालनी है। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा, लेट द हाइट ऑफ टावर बी ए डी, जो कि क्या है, एच मीटर, ठीक है, एडी जो कि एच मीटर है, यही हमें निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है बच्चों, समझिए। अब जैसे हमारे पास फिगर जो दिया है, सबसे पहले मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी मैं अलग अलग फिगर बना के बताता हूं आपको। जैसे ये दिया है, इस फिगर को देखिए, यहां पे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, ए बी सी, इसका एंगल कितना है, 45 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, ये ए बी क्या है, बिल्डिंग की हाइट है, और वो कितनी है, 20 मीटर है, बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर हमें दी है क्वेश्चन में। अच्छा, और बी सी दिया है, बी सी दिया नहीं है, अननोन। अब देखिए यहाँ पे ये भाई क्या है, बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। यहाँ पे भाई आपको पता है पी बी पी अपॉन एच एच पी, इसके अकॉर्डिंग देखिए परपेंडिकुलर हमें गिवन है, बेस का काम करते हैं इसमें, हम इसको लेते हैं, तो मिल गया 10 45 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10 45 की वैल्यू 1 होती है, परपेंडिकुलर कितना है, ए बी, ऑफ बेस बी सी है, यहाँ 1 रखा, ए बी की वैल्यू 20 है, ये बी सी हो गया, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी बी सी, दैट विल बी 20 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास बच्चों वैल्यू किसकी आई, भाई परपेंडिकुलर ए बी था 20 रखा, बी सी हमने बी सी रहने दिया, फिर उसके बाद 45 की वैल्यू 1 थी, बी सी को यहाँ लिया, बी सी फिर भी 25। क्या इतनी बात आप सबको क्लियर है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे वाले डायग्राम की, ठीक है, इसको समझिएगा। मैं ऊपर का क्वेश्चन रब करता हूँ, यहां देखिए। अब दूसरा फिगर जो मैं बात करता हूं, जिसमें हमारा ट्रांसमिशन टावर है, ठीक है,
जिसमें इतना हिस्सा हमारा क्या है, बिल्डिंग का है ब्लू कलर से, और उसके ऊपर ग्रीन से हमने ट्रांसमिशन टावर बनाया, ये है ठीक है, ये ट्रांसमिशन टावर है। अब क्या बोला है कि जो सी से एंगल बना है ग्राउंड पे, सी से जो एंगल बना है यहाँ पे ग्राउंड पे, ये कितना बना है, बोला है 60 डिग्री। कितना है 60 डिग्री। पॉइंट क्या है, ये पॉइंट हमारा डी था, तो डी बी सी की बात करते हैं ठीक है, इस ट्राइंगल की बात करते हैं। इस ट्राइंगल में ये देखिए, ये हिस्सा जो टावर का ट्रांसमिशन हिस्सा था, ये वाला ये था H ठीक है, और बिल्डिंग का जो हाइट थी वो थी 20 ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा अब अगर यहां से लेके यहां तक की बात करें बच्चों, ठीक है, यहां से अगर यहां तक की बात करें पूरी, तो क्या हो जाएगा, टावर और बिल्डिंग की हाइट मिला के 20+H हो जाएगा मीटर ठीक है, ये हिस्सा ये हो जाएगा। यहां मैंने लिया 10 60 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अकॉर्डिंग टू, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है ठीक है, बिल्डिंग की हाइट 20 और ट्रांसमिशन टावर की एच, तो 20+H हो गया ही पूरा। यहां लिख देते हैं इन ट्राइंगल BCD, BCD ट्राइंगल जो है, इसमें फिगर में अलग करके हमने दिखाया आपको 20+H कैसे आया, ये भी समझ रहे होंगे। 1060 की वैल्यू √3 लिखी, परपेंडिकुलर कितना है BD है, बेस कितना है BC है ठीक है। अब देखिए BC की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आई थी, हम इस BC की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो हमने लिखा √3 इंटू BC इज इक्वल टू BD। यहां से देखिए BD इज इक्वल टू √3, BC कितना है 20, तो BD कितना हो गया 20√3 मीटर ठीक है, ये क्या है BD है। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था हाइट ऑफ ट्रांसमीटर ठीक है, हाइट ऑफ ट्रांसमीटर, ये हमसे हाइट पूछी थी, किसकी, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर ठीक है, ट्रांसमिशन टावर की हाइट पूछी थी, वो कितनी है, वो इतनी है AD, ये हिस्सा पूछा था AD पूछा था, हमें AD चाहिए बच्चों, तो AD कैसे निकाल सकते हैं हम भाई, तो साफ साफ बात है AD कैसे आएगा, ये टोटल में से अगर मैं इतना माइनस कर दूं तो हमारा ये हिस्सा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा ठीक है, अगर टोटल में से ये पूरा जो टोटल है हमारे पास, इस पूरे टोटल में से अगर मैं AD माइनस कर दूं, ये AD हमारे पास है, हम लिखते हैं यहाँ पे देखिए, सबसे पहले BD को मैं क्या लिख सकता हूँ, BA प्लस AD मैंने लिख दिया BD को ठीक है, हमें क्या चाहिए AD चाहिए, हमने लिखा यहाँ से AD विल बी व्हाट, BD माइनस AB, या BA कोई दिक्कत नहीं है, AD भी लिख सकते हैं, BD कितना है 20√3, BA कितना है 20, तो AD देखिए क्या मिलता है 20 कॉमन लिया √3 - 1 मीटर, क्लियर बात है, यही हमारा फाइनल आंसर है बच्चों ठीक है, इसको नोट डाउन कर दीजिए, बहुत अच्छे से ईमानदारी से चीज को सीखिए, फेयर आउट करिए, रफ में प्रैक्टिस भी करिए, कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, फेयर आउट करिए। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग, बहुत अच्छे से समझिएगा। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैचू है जो 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड्स ऑन द, खड़ा है कहां पे, टॉप ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल मतलब जैसे चौराहे पे आपने देखा होगा स्टैचू लगे रहते हैं, थोड़ा सा गुंबद टाइप का थोड़ा सा बना होता है चौराहे टाइप का, उसके ऊपर स्टैचू लगा होता है, तो वही चीज बोलिए, टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. बहुत easy question है, find the height of the pedestal. देखिए green marker से जो बना रहा हूँ, ये हमारा pedestal है, ठीक है? ये pedestal है, ये जो green marker से मैंने बनाया है, pedestal है, ये हमारा ground है, ठीक है,
इस पेडेस्टल के ऊपर, ठीक है, ग्राउंड है, इस पेडेस्टल के ऊपर हमारे पास क्या एक स्टैचू है जो कितना बड़ा है, 1.6 मीटर। ये स्टैचू है 1.6 मीटर, ठीक है, ये ध्यान रखे। ये ब्लू मार्कर से ये क्या है, ये स्टैचू है, और ग्रीन मार्कर से ये मैं डिनोट कर दे रहा हूं, यहाँ पे पेडेस्टल है, ये हिस्सा, ये हिस्सा क्या है, पेडेस्टल, ठीक है, ध्यान रखिए। अच्छा, अब क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज, ठीक है, टॉप ऑफ द स्टैचू, देखिए स्टैचू का टॉप पॉइंट क्या है, ये, ठीक है, पेडेस्टल का टॉप पॉइंट क्या है, ये पेडेस्टल का टॉप पॉइंट है, ठीक है, बट स्टैचू का ये क्या है, बॉटम पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा चीजें, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री, मतलब ये एंगल जो है टॉप ऑफ द स्टैचू से इस पॉइंट पे कितना है, 60 डिग्री है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल का टॉप ये है, कितना है, कितना है एंगल, 45 डिग्री, ये हमसे क्वेश्चन में बोला है। हमने क्या किया, इसको ए नाम दिया, इसको बी नाम दिया, इसको सी नाम दिया, इसको डी नाम दिया। फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, मतलब ए बी फाइंड आउट करना है हमें, क्या फाइंड आउट करना है, ए बी, हमें ए बी फाइंड आउट करना है। तो हम पहले सबसे पहले कंसिडर कर लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ पेडेस्टल डी ए बी दैट इज एच मीटर, ठीक है, हमने इसको एच कंसिडर कर लिया है, क्या है कंसिडर कर लिया है, एच मीटर, यहां से यहां तक, ठीक है। अच्छा, फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल निकालना है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत आसान है, कोई भी ऐसी चीज इसमें नहीं है जो आपको समझ में ना आए, ठीक है, देखते हैं हम लोग। हमें एक स्टैचू दिया है 1.6 मीटर का जो कि टॉल है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल के टॉप पे ये स्टैचू है। द एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, सबसे पहले हम समझते हैं, देखिए देखिए ए बी सी, ए बी सी में कितना एंगल है भाई, 45 डिग्री, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी हमने लिखा। यहां देखिए ये हमने कितना कंसिडर किया है, ये क्या है, पेडेस्टल है, ठीक है, ये पेडेस्टल है ए बी, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है। अच्छा, अब एक तरीके से आप इसको ये बेस कह लीजिए, ये परपेंडिकुलर है, ठीक, हमने क्या किया यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10 लगा दिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पीबीपी अपॉन एचएचबी से आप जानते हैं 1045 की वैल्यू 1 होती है, पी यहाँ पे कितना है, ए बी है थ्रू दिस एंगल ऑफ रेफरेंस है, और बेस कितना है, बी सी, ठीक है, 1 ए बी की वैल्यू कितनी है, एच, और बी सी की वैल्यू ये, तो यहां से हम बी सी को फाइंड आउट करते हैं, बी सी विल बी एच मीटर, ठीक है, बी सी भी हमारा कितना आ गया है, एच मीटर आ गया है, इस बात को जरा समझिए, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, ये बड़ा वाला है ट्रायंगल बनाता हूँ भाई, जिसमें हमारा पेडेस्टल और टावर, ये हमने ट्रायंगल बनाया, ठीक है, यहां से ये क्या है, ये डी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, एंगल कितना है, 60, ठीक है। अच्छा, डी बी, डी बी हमारा क्या है, ये डी बी जो है इसमें देखिए ये एच बी है और 1.6 भी है, तो डी बी का जो मेजरमेंट है वो क्या है, 1.6 प्लस एच मीटर, भाई एच बी है इसमें 1.6 भी है, तो डी बी क्या हो जाएगा, 1.6 प्लस एच मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी मैं 10 को लगाता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10 का इस्तेमाल करता हूँ, तो देखिए 10 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस अकॉर्डिंग टू दिस, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, ठीक है। 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3, ठीक है, परपेंडिकुलर डी बी फिर बी सी, ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं
डीपी की वैल्यू कितनी है 1.6 प्लस एच है बच्चों बीसी। बीसी हमने इस इक्वेशन से निकाला था, इस ट्रायंगल से निकाला था, कितना था एच था, तो बीसी की वैल्यू एच है, मैंने यहाँ पे एच रखी। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, रूट थ्री एच इज इक्वल टू 1.6 प्लस एच, रूट थ्री एच माइनस एच 1.6, एच कॉमन ले लिया, रूट थ्री माइनस वन इज इक्वल टू 1.6, मैंने इतना लिखा। ठीक है, स्पेस कम होने की वजह से मुझे रद्द करना पड़ेगा थोड़ा सा बच्चों। ठीक है, देखिए पहले इसको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों 1.6 है, यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, पेडेस्टल की हाइट h निकालना है, तो इस चीज को देखिए मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ यहाँ पे, h 1.6 अपॉन रूट थ्री माइनस वन, ठीक है इरेशनल है, इसको रेशनलाइज करते हैं इससे, रूट थ्री प्लस वन, रूट थ्री प्लस वन से मल्टीप्लाई करके, यहाँ देखिए 1.6 ब्रैकेट में रूट थ्री प्लस वन है, a माइनस बी, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी थ्री माइनस वन, 1.6 रूट थ्री प्लस वन अपॉन टू, ठीक है ये कितना हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट होके 0.8, ठीक है तो 0.8 ब्रैकेट में रूट थ्री प्लस वन मीटर। ठीक है, दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, इसको फेयर आउट कर लीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बच्चों एक बात समझिएगा, आपने देखा होगा जैसे आप अभी घर से बाहर निकलिए तो आप देख रहे होंगे एक तरफ बिल्डिंग खड़ी है और एक तरफ कुछ दूर पे टावर खड़ा है, तो टावर बहुत ऊंचा होता है ना, और बिल्डिंग थोड़ा सा नीचे होती है, तो जमीन में कहीं टावर लगा है तो वो इतना हाइट पे होता है। तो देखिए किस तरह से बात कर रहे हैं, यहां पे हमने लिखा है ये 50 मीटर का टावर है, ठीक है अच्छा, और एक हमने बिल्डिंग मानी यहां पे और ये ग्राउंड है, ठीक है ये बिल्डिंग है हमारी, ठीक ये बिल्डिंग है। अब ये समझिए, इसको मैंने टावर बोला है, ठीक है ये टावर का टॉप पॉइंट है और ये बॉटम, ध्यान दीजिएगा, ठीक है इसको मैंने बिल्डिंग बोला है, ये हमारी बिल्डिंग है, इसका ये टॉप पॉइंट है और इसका ये बॉटम, ठीक है ये बॉटम है। अब क्वेश्चन को देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग ये है, बिल्डिंग का टॉप ये है, टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर, टावर क्या है ये है, टावर का फुट यानी बॉटम, इसको फुट भी बोल सकते हैं भाई, है ना, फुट, फुट ऑफ द टावर से कितना डिग्री एंगल बना रहा है 30 डिग्री, कितना डिग्री 30 डिग्री एंगल, ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर का जो टॉप है, ठीक है ये टावर है, टावर का टॉप ये है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का फुट ये है भाई, इसको फुट भी बोल सकते हैं, फुट ऑफ द बिल्डिंग से ये कितना है, इन्होंने बताया 60 डिग्री, ठीक है कितना है ये 60 डिग्री, क्लियर बात है, ये है पूरा फिगर। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ये टावर 50 मीटर हाई है, ठीक है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमें ये फाइंड आउट करना है, नाम नेमिंग कर देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है क्या है डीसी है, एच मीटर या एक्स मीटर कर लो, ठीक है इसको हमने एक्स मीटर मान लिया, बिल्डिंग की हाइट को डीसी जिसे हमें निकालना है,
तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं आप और मिलकर, देखते हैं कितनी आसानी से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले चलिए हम एक ट्राइंगल लेते हैं, ये बड़ा वाला ट्राइंगल जो है अलग से मैं आपको दिखा रहा हूं। ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, ये सी है, ये 60 डिग्री है, ये बेस हो गया है, ये परपेंडिकुलर हो गया है, ये हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, यहां पे हमें ये हिस्सा दिया है 50 टावर की हाइट। ठीक है, 50 दिए, बस देखिए बहुत आसान है, 10 60। ठीक है, पीवीपी अपॉन एच एच बी से आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर और बेस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एप्लीकेबल है, 10 10 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 1060 की वैल्यू √3, परपेंडिकुलर कितना है AB, बेस कितना है BC, हमने लिखा है यहाँ पे √3, AB की वैल्यू 50, BC की वैल्यू BC रहने देते हैं। ठीक है, यहां से हमने इसको फाइंड आउट किया तो हमें क्या मिला है, BC विल बी इक्वल टू 50 अपॉन √3 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, BC आ गया है, क्या आ गया है, BC की वैल्यू आ गई है हमारे पास 50 अपॉन √3 मीटर। अब देखिए मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन को रख करता हूं पहले, देखिए बच्चों अब देखिए मैं दूसरा फिगर लेता हूं, दूसरा फिगर हमारे पास क्या है, बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है। ठीक है, DC, ये D है, ये C है, ये B है। ठीक, इसका एंगल कितना है 30 डिग्री है, इसको हमने कितना माना है, X माना है बिल्डिंग के हाइट को, और ये BC है ही, तो देखिए हमने यहां लिखा 10 30 डिग्री अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ये लिखना पड़ेगा आपको DCB, वैसे यहां पे भी आपको लिखना था इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, इस तरह से 10 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 1 अपॉन √3 हुआ, परपेंडिकुलर कितना है TC है, बेस कितना है BC है। ठीक है, DC अब हमने इसको रखा 1 अपॉन √3 DC, X हो गया, BC की वैल्यू बेटा हम यहां से रख सकते हैं जो हमने अभी पहले निकाला था। ठीक है, हमने रख दी 50 अपॉन √3, हमने BC की वैल्यू ऐसे रख दी। अब देखिए √3 x/50 हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन √3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर हम x निकालते हैं तो 50 √3 √3 क्रॉस मल्टीप्लाई में 3 मीटर हो जाएगा, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है आपस में, तो देखिए यहां से हमने x को बाहर निकाला है। ठीक है, √3 का थ्रू से मल्टीप्लाई 3 हो गया।